Father's Day to all the fathers out there. So today, on this special day, we are going to make our father special by making this sweet and easy dish. Today, we are going to make mango kulfi. So let's get started. ये रेसिपी कोई भी ट्राई कर सकता है, बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है. हमें इसके लिए बस आम को ऊपर से काटना है और इसके अंदर की गुठली निकालनी है. बहुत आराम से हम लाइक गुठली के आसपास इसकी कट मारेंगे, इस तरह से आप देख सकते हैं. हम थोड़ा अंदर से भी इसको ढीला कर लेंगे ताकि गुठली आराम से निकल जाए, बट मेक श्योर कि आम ना कटे. थोड़ा आराम से ही हमें निकालना है और बहुत ही इजीली ये गुठली निकल जाएगी. यहाँ आप देख सकते हैं कितने आराम से ये गुठली निकल गई है. अब हम इस आम को ग्लास में रखेंगे और ये जो मैंगो पल्प होता है गुठली पे, हम उसको निकाल देंगे और इसी आम में अंदर डाल देंगे. जस्ट मेक श्योर कि आप जब ये पल्प डाल दें उसके बाद इसको चम्मच से थोड़ा स्मैश कर लीजिएगा. मैंने कर लिया था इसको थोड़ा स्मैश, तो ताकि जब हम इसमें फिलिंग डालेंगे और फिर जब हम कुल्फी की तरह कट करेंगे तो इसका जो लुक आएगा वो बहुत अच्छा आएगा. अब हम आम को फ्रीज़र में रख देंगे और तब तक हम कस्टर्ड बना लेंगे. उसके लिए मैंने यहाँ पे एक ग्लास दूध लिया है और जब वो बॉयल हो जाएगा उसमें 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाला है और उसको गाढ़ा होने तक का वेट करेंगे. अब हम इसमें 4 इलायची क्रश करके डाल देंगे. अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर. आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं. दिस इज द फाइनल कंसिस्टेंसी दैट वी नीड. ये जो अभी अपने फिलिंग बनाई है उसको हम आम में डाल देंगे अंदर. कीप देम इन फ्रीजर फॉर 5 to 6 आवर्स. 5 से 6 घंटे के बाद हम इसको पील कर लेंगे और आप रिजल्ट देख ही सकते हैं. इसको एकदम कुल्फी की शेप में काट देंगे और द रिजल्ट आर वेरी गुड. ये टेस्ट में इतना अच्छा था, एकदम रिफ्रेशिंग था. हमने घर पे ही कुल्फी बना दी और ये बहुत ही टेस्टी थी. माई फादर जस्ट लव्ड इट. ट्राई इट नाउ, योर फादर विल लव दिस टू. And yeah, like, share and subscribe. Happy Father's Day, Papa. I love you. Bye, guys.